दोस्तों आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि यार फाइनली बजाज पल्सर 220F इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आने वाला है ये 2023 में। और ये कंफर्म्ड एक ऑफिशियल अपडेट है बजाज की तरफ से, ये बाइक बहुत जल्दी ही इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। मैं आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इस बाइक में आप लोगों को क्या क्या फीचर ऑफर होती है, और तो और ये बाइक आप लोगों को कितने प्राइस रेंज में देखने को मिलेगी। अगर आपको इस बाइक का सोर्स जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। फाइनली यार बजाज की तरफ से ये लेजेंडरी बाइक 220F मार्केट में बैक कर रही है, क्योंकि यार पल्सर F250 उतना भी मार्केट में ज्यादा नहीं चला है, उसका सेल्स पूरा डाउन चल रहा है, उस बाइक को कोई खरीद भी नहीं रहा है। इसीलिए यार बजाज ने सोचा कि यार 220F को मार्केट में निकालना ही पड़ेगा। पल्सर 220 आपका बजाज 2007 में लॉन्च किया था, और तो और अप्रैल 2022 में इस बाइक को उसने डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि यार पिछला ईयर ही हम लोग को पल्सर N250 और पल्सर F250 को लॉन्च किया था, और इन दोनों बाइक्स में N250 मार्केट में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो F250 है वो मार्केट में ज्यादा नहीं चली है। अगर आप लोग इस बजाज पल्सर 220 के फैंस हो तो यार जल्दी से जल्दी जाओ, ऑफिशियल बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब किसी भी यार नियरेस्ट शोरूम्स में जाके, बजाज के शोरूम्स में जाके आप लोग ये बुकिंग कर सकते हो, तो जाओ जल्दी से चेकआउट कर लो। और तो और ये बाइक आप लोग को फरवरी के एंड तक या तो मार्च के एंड तक ये ऑफिशियली इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इस बाइक की मैं प्राइस की बात करूं, 1,30,000 से लेके 1,40,000 एक शोरूम प्राइस होने वाला है। आपको बाइक में वही सेम डिजाइन देखने को मिलेगा, और तो और सामने से बड़ी वाइजर के साथ एक बड़ी विंडशील्ड देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों का विंड ब्लास्ट से बहुत बढ़िया प्रोटेक्ट करेगा। और तो और बाइक में आप लोगों को LED सेटअप देखने को मिल सकता है। और इसकी सस्पेंशन की बात करूं, फ्रंट में आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, रियर में आप लोगों को ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे, और तो और फ्रंट और रियर में आप लोगों को डिस्क ब्रेक के साथ ये बाइक देखने को मिलेगी। और तो और ये जैसे सिंगल चैनल ABS के साथ आता था, वैसे ही आप लोगों को सिंगल चैनल ABS के साथ देखने को मिलेगी। और तो और मैं इसकी इंजन की बात करूं, आप लोग को एक 220cc का एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसका पावर आउटपुट आपको 20 PS और 19 न्यूटन मीटर टर्क देखने को मिलेगा, और ये आप लोगों को 5-speed गियरबॉक्स के साथ कंपनी आपको ऑफर करेगी। और तो और ये जब 2007 में आप लोग का लॉन्च हुआ था, उस टाइम में भी ये मार्केट पूरा ले लिया था, क्योंकि यार इस बाइक का जो डिजाइन लुक्स है वो सबको भाती है। और तो और ये पूरा मार्केट में, इंडियन मार्केट में ये बहुत चल रही थी। तो यार फाइनली ये आने वाली है आप लोगों के अप्रैल के लास्ट को, या तो यार फरवरी के लास्ट को आप लोगों को देखने को मिलेगी। और तो और ये बाइक में आप लोगों को 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, जिसका आप लोगों को माइलेज देखने को मिलेगा 35-40 KMPL गाइस। और तो और इसके फ्रंट सेशन टायर की मैं बात करूं, जो कि यार 90/90, और रियर सेशन की बात करूं, रियर सेशन टायर की मैं बात करूं, 120/80 सेशन का टायर देखने को मिलेगा। और तो और इसका आप लोगों को 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ देखने को मिलेगा। डिस्क ब्रेक की बात करूं, फ्रंट में आप लोग को 280mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, और रियर में आप लोग को 230mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा गाइस। और इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है वो 160mm होने वाला है। अब फाइनली मैं बात करूं यार इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की, इंस्ट्रूमेंटल कंसोल में जैसे आप लोगों को F250 के देखने को मिलता है, वैसे ही आप लोगों को एक इंस्ट्रूमेंटल कंसोल मिलेगा फुल्ली डिजिटल। और तो और कंपनी इसमें आप लोगों को यार कनेक्टिविटी फीचर्स भी ऑफर कर सकती है, जैसे कि यार नेविगेशन सिस्टम, और तो यार ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ ये बाइक आप लोगों को ऑफर कर सकती है। और तो और ये आप लोगों को बहुत सारे कलर स्कीम्स में देखने को मिलेंगे, और ये जो रिवील हुए कलर स्कीम्स वो है यार ब्लू एंड ब्लैक और रेड एंड ब्लैक, ये दोनों कलर स्कीम्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और तो और गाइस इस बाइक का थोड़ा बहुत ग्राफिकल डिजाइन भी चेंज होने वाला है। और तो और गाइस फाइनली इस बाइक का लॉन्च होने वाला है फरवरी के एंड तक, या तो यार मार्च के एंड तक आप लोगों को जरूर से जरूर इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने को मिलेगी, जिसका अनऑफिशियल बुकिंग भी स्टार्ट हो चुका है, आप लोग नियरेस्ट शोरूम में जाके पता कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग को इस बाइक का अपडेट कैसा लगा मेरे को जरूर कमेंट में बताना, और जो भी यार ये पल्सर 220F का वेट कर रहे हो वो लोग जरूर से जरूर एक महीना और वेट करें, आप लोग को जरूर इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये देखने को मिलेगी। और तो और मिलते हैं यार अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।